असलमकम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं आप देख सकते हैं मैंने टू टाइप्स के थ्रेड्स को मिक्स एंड मैच करके बनाना है कुछ इस तरह से मेरे पास ये दोनों कलर्स एक जैसे अवेलेबल थे तो मैंने दोनों कलर्स को यूज़ कर लिया मतलब दोनों थ्रेड्स में एक ही कलर अवेलेबल था तो मैंने ये यूज़ करने से अपना डिज़ाइन बनाया है तो आप क्या करेंगे अगर आपके पास एक जैसे दो कलर्स नहीं हैं सिल्की थ्रेड में लाइट या फिर डार्क है एक दूसरे से तो भी आप इसके साथ सिल्की थ्रेड कॉटन थ्रेड के साथ ज्वाइन करके बनाएं तो आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनता है और इसमें थोड़ी सी शाइनिंग भी आती है ये कुछ मेरा दिखाने का मकसद आपको कुछ इस तरह से है कि आप जब इस सिल्की थ्रेड को कॉटन थ्रेड के साथ अटैच करेंगे मिक्स करेंगे फिर हम बनाएंगे तो कॉटन के थ्रेड की नीटनेस और सिल्की थ्रेड की शाइनिंग आएगी और हमारा डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा इन दोनों कलर्स को आप ऑपोजिट भी ले सकते हैं अगर आपके फैब्रिक में टू कलर्स हैं तो आप टू कलर्स भी ले सकते हैं थ्री हैं तो आप इसकी टू लेयर्स भी साथ में ऐड कर सकते हैं मल्टी कलर्स भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो वन पॉइंट टू फाइव एम एम की हुक है वो हम यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमारा आज का जो डिज़ाइन है बेसिकली हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बनाना है इसमें बेस रो हमें बनानी नहीं है बट अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप बेस रो बना सकते हैं बट ना भी बनाएं तो भी हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरती के साथ बनता है सो तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन जो कि बहुत ही ईजी है दिखने में हमें बनाने के बाद दिखने में हमें लगता है कि हमने टू टाइम्स टू रोज बनाई हैं बट ये सिंगल रो में ही डिज़ाइन बनता है और ऐसे लगता है टू रोज में हमने बनाया है सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और मुझसे बातें भी क्या कीजिए कमेंट में आके आपने डिजाइन बनाया आपसे कैसा बना आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल है किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके ईजीली पूछ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिजाइन स्लिप नोट ले लिया है मैंने दोनों थ्रेड्स के साथ इस आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है प्रेस कर लेना है या फिर आपने सिलाई से इसको फोल्ड कर लेना है या फिर आपने पीको करा लेनी है सिंगल लेयर्स के साथ आप डिज़ाइन मत बनाया कीजिए वो फिर नीटनेस नहीं आती और जो मेरी बिगनर फैलोज हैं उनको फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे बना लिया साथ ही हमने थ्री चेन ले लेनी है और थ्री चेन को थ्री चेन के गैप के ऊपर ही सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दिया जब हमने यहाँ पे फोर चेन लेंगे हम वन टू थ्री एंड फोर फोर चेन फोर चेन को हम क्या करेंगे बैक से जाते हुए ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था इसमें हमने डबल क्रोशे बना के इसको अटैच करना है डबल क्रोशे साथ ही हमने टू चेन लेके फ्रंट पे आ जाना है अच्छा एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ या फिर गाइड कर दूँ कि अगर हमारा थ्रेड थोड़ा सा मोटा है तो ये टू चेन की बजाय आप थ्री चेन भी बना सकते हैं क्योंकि मोटे थ्रेड से हमारा डबल क्रोशे की लेंथ बढ़ जाती है और बारीक वाले थिन वाले थ्रेड से हमारे डबल क्रोशे की लेंथ थोड़ी सी कम होती है तो उसके लिए टू चेन काफ़ी होती है तो अगर आप मोटा थ्रेड यूज कर रहे हैं या थ्री लेयर्स कर यूज कर रहे हैं तो आप इसके लिए थ्री चेन भी बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने टू चेन बनाया है और इस डबल इस से क्रोश इस फोर चेन के क्रॉस में हमने फ्रंट साइड से आते हुए टेन टाइम डबल क्रोशे बनाना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये हमारा टेन टेन डबल क्रोशे कम्पलीट हो जाते हैं तो हमने क्या करना है ये जो हमारे पास डिस्टेंस है डबल क्रोशे का इसी डबल क्रोशे के डिस्टेंस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है जो कि मैक्सिमम थ्री चेन का ही डिस्टेंस है इस तरह से हमारा डिस्टेंस सेम ही जाएगा इस वाले फर्स्ट स्टेप को कम्प्लीट करने के साथ ही फिर से थ्री चेन ले लेनी है वन टू थ्री थ्री चेन को थ्री चेन के गैप के ऊपर डिस्टेंस पे हमने अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से ये आप देख सकते हैं सेम सेम डिस्टेंस के साथ हमारा डिज़ाइन जा रहा है इसमें हमें बेस रो इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमें डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर दिया थ्री चेन को साथ ही हमने फिर से फोर चेन ले लेनी है फिर से बैक पे जाना है जैसे हम फर्स्ट पे गए थे यहाँ पे तो डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो हमारा पीछे वाले फ्लावर के साथ जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें हमने इसको डबल क्रोशे कर लेना है कुछ इस तरह से ये बैक साइड है बैक साइड से ही हमने एक बार टू चेन थ्री चेन थ्री चेन ले लेनी है एक बार वन टू थ्री एंड फोर फोर्थ वाले अपने सिंगल क्रोशे के डबल क्रोशे के एच पे हमने अटैच कर देना है इसको कुछ इस तरह से फिर से हमने थ्री चेन लेनी है इस थ्री चेन को वन टू थ्री ये थर्ड वाले एच पे हमने इसको अटैच कर देना है कुछ इस तरह से हमारी ये डिस्टेंस बनेगी और फिर हमने फ्रंट पे आ जाना है ऐसे और हमारे पास ये टोटल थ्री कैप्स हैं वन टू एंड थ्री यहाँ पे हमने फ्लावर बनाना है इस गैप को स्किप करते हुए यहाँ पे हमने फिर से टेन टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये जो फ्र, फ्रंट रोव पर आ गए हम फ्रंट रो पे आने के बाद हमने टू चेन लिया है साथ ही हमने यहाँ पर थ्री पैटल्स के साथ फ्लावर बनाना है टू चेन प्लस टू डबल क्रोशे बनाएंगे पहले फिर से टू चेन लेके इसको इसकी पैटल को सिंगल क्रोशे कर देंगे ये वन टाइम पैटल हो जाएगी टू चेन प्लस टू डबल क्रोशे प्लस टू चेन सिंगल क्रोशे फिर से टू चेन ले, ले लेंगे टू डबल क्रोशे बना लेंगे यहाँ पे टू चेन फिर से लेके इसको फिनिश करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से ये टू पैटर्न्स बना ली बनगी हमारे पास साथ ही फिर से टू चेन ले लेंगे और फिर से हम यहाँ पे टू डबल क्रोशिया प्लस टू चेन के साथ एक पैटल फिर से बनाएंगे टू ट्रेन सिंगल क्रोशिया किया तो ये हमारे पास थ्री चेन थ्री पैटल्स का एक फ्लावर छोटा सा बनता है बहुत ही खूबसूरत एज पे जो कि हमें नज़र आता है कि ये हमारी सेकेंड रो है बट ये हमें फर्स्ट पे ही बनाना है अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है डबल क्रोशिया का बल लेना है ये जो हमारा लास्ट वाला गैप है इस गैप को कुछ नहीं करेंगे हम नेक्स्ट वाले गैप में हम क्या करेंगे टाइम टाइम्स डबल क्वेश्चन बनाएंगे जैसे कि फर्स्ट पे यहाँ पे बनाया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये हमारा लास्ट टेन डबल क्रोशे टेन डबल क्रोशे हो गया इसको इसके डबल क्रोशे के गैप पे ही हम अटैच करेंगे जो कि मैक्सिमम थ्री चेन का ही गैप है कुछ इस तरह से इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है हमने इसको सेम पैटर्न को फिर से रिपीट करना है मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ यहाँ पे जब हम फिनिश करते हैं तो थ्री चेन लेते हैं सिंगल क्रोशे करते हैं सेम डिस्टेंस पे जब इस थ्री चेन को सिंगल क्रोशे किया फिर फोर चेन लिया और बैक से जाते हुए ये जो सिंगल क्रोशे लिया था इस पे अटैच करेंगे डबल क्रोशे के साथ और साथ में थ्री चेन का गैप लेना है और इस गैप को वन टू थ्री एंड ये फोर्थ वाले डबल क्रोशे के एच पे अटैच करना है फिर से हमने थ्री चेन लेना है जिसमें हमें थ्री पैटल का फ्लावर बनाना है वन टू एंड ये थ्री थर्ड वाले में हमने फिर से इसको अटैच कर देना है टू चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाना है साथ ही हमने टू डबल क्रोशे बनाना है टू चेन के साथ वन टू टू चेन ले लेना है और इस पेटल को फिनिश करना है सिंगल क्रोशे से फिर से सेम टू चेन ले लेना है और फिर से हमने इसको टू टाइम्स डबल क्रोशे के साथ सेकंड पेटल को बनाना है और टू चेन के साथ इसको फिनिश करना है वन टू टू चेन के साथ हमने फिर से टू डबल क्रोशे लेना है और इस तरह से हमारी ये थ्री पेटल्स बन जाती हैं टू चेन के साथ इसको सिंगल क्रोशे कर देना है फिर क्या करेंगे डबल क्रोशे का बल लेते हुए डायरेक्ट हमें ये वाले कैप में जाना है और यहाँ पे फिर से रिपीटेड टेन डबल क्रोशे बनानी है ईजी है और बस देखने में थोड़ी सी डिज़ाइन क्रिटिकल लगती है फर्स्ट टाइम में बट अगर आप बनाना शुरू करें या फिर वीडियो को एक बार भी आप कंटिन्यूसली अपने ध्यान से या अपनी तवज्जो से देख लें तो कोई भी डिज़ाइन आपको मुश्किल नहीं लगेगा कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है यहाँ पे मैं फिर से टेंथ कंप्लीट करके तो इसको अटैच कर दूँगी और फिर से थ्री चेन के साथ सिंगल क्रोशे से करूँगी और बैक साइड से हम अपना बाकी का फिर से स्टार्ट करेंगे इसी पैटर्न को रिपीट करना है और ये हमें टू रोज़ की लुक देता है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है मैं इसकी थोड़ी सी आपको वाइनल लुक बना के शो शो करती हूँ थोड़ी सी और पेटल्स बनाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी पैटर्नस को कंप्लीट कर लिया है थोड़ा सा और बनाया है आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाले फ्लावर्स की रो है हमें ऐसे लगता है ये हमें टू रोज में बनाया है बट ये हमें एक ही रो में बनाया है और बहुत ही इजी भी है इसमें हमें किसी किस्म की कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी है जस्ट आपने डबल क्रोशे को ऐड करते जाना है और अपने पैटर्न को बनाते जाना है अगर आप फोर साइडी डिज़ाइन बनाते हैं तो आपने लास्ट स्टिच को यहाँ पर ला इसको साथ अटैच करते हुए कट करना है ये इसकी बैक साइड है बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन बनता है कॉटन थ्रेड बहुत खूबसूरत लगता है साथ में थोड़ी सी शाइनिंग जो हमारे सिल्की थ्रेड की आती है वो इसको ज़्यादा इनहेंस करती है सो so, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद और समझ भी आया होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ अल्लाह हाफिज़